एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ हैवी ऑयलिंग और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप हैवी ऑयलिंग किस तरीके से करोगे जिससे कि आपके बालों को पोषण मिलेगा, पूरा पोषण मिलेगा, साथ ही साथ आपके बाल टूटेंगे भी कम, क्योंकि ऑयलिंग के बाद बाल टूटते ही टूटते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि ऑयलिंग के बाद भी आपके हेयर नहीं टूटने वाले हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज वाला वीडियो मिलने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस, ऐसे ऑयलिंग करने के तरीके जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑयल से ज़्यादा, ऑयलिंग करने के तरीके से ज़्यादा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। ऑयलिंग करने के तरीके जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ऑयलिंग आप कैसे कर सकते हो। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैं यहाँ पे जास्मिन पैरासूट का ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ हमेशा, बहुत ही लाइट वेट लगता है तो मैं इसे इसलिए यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो यहाँ पर। तो मैंने ऑयल को इसमें एक कटोरे पे निकाल लिया है, बिकॉज वो इधर उधर गिरने लगते हैं उससे लेने पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही ज़्यादा एक कटोरा पूरा भर के ऑयल यहाँ पे लिया हुआ है। अब इससे मैं आपको हैवी ऑयलिंग करके दिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने दो पार्टीशन किए हुए हैं। इसको मैं अच्छे से पहले कॉम कर लूँगी। कॉम कर लेना जिससे कि गुंथ जो के होंगे वो हट जाएंगे, और हटने के बाद ही आप ऑयलिंग करना। हमेशा मैं अपने चैनल पर बताती हूँ कि कभी भी कॉम करने के बाद ही अपने हेयर पे ऑयल करना। तो मैंने पहले भी एक बार कॉम किया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही एक बार और कॉम कर लिया आपको बताने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ हाथ, दोनों हाथों में इस तरीके से हम कर लेंगे। और पहले पहले पार्टीशन जो होते हैं ना, इधर के सारे पार्टीशन को इस तरीके से आप ऑयलिंग करो। और आप एक कटोरे भी लेके अच्छे से ऑयलिंग करते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि आपके हेयर में सारा पोषण भी जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऑयलिंग हो रही है। इस तरीके से आप ऑयलिंग करते जाओ, और अच्छे से इस तरीके से करोगे तो कभी भी आपके हेयर नहीं झड़ेंगे। तो ऑफकोर्स इस तरीके से आप जरूर हैवी ऑयलिंग करने वाले हो तो इस तरीके से ही करो जिससे कि हेयर कम झड़े, क्योंकि हमारे बालों को अच्छे ग्रोथ देने के लिए हेयर को पहले टूटने से रोकना बहुत ही जरूरी है। और एंड पॉइंट में आप हमेशा ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं पूरी क्वांटिटी में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से अपने हेयर पर अच्छे से क्वांटिटी से लगा लेनी है, जिससे कि क्योंकि ना आपके बॉडी से इसको कोई पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कल की वजह से यहाँ तक आपके हेयर को पोषण ही मिल जाता है। लेकिन ये आपके डैमेज होने का कारण यही है कि आप इसका केयर नहीं करते हो, और इसे आपके शरीर को इसको शरीर से कोई पोषण नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको आपको पोषण करना बहुत ज़रूरी है। तो एंड पॉइंट में अच्छे से लगा लें। देख लीजिए आपके दम में अच्छे से लगा चुकी हूँ। अब मैं दूसरे पार्टीशन में ऑयल कर रही हूँ। आप ऑयल जितना भी ले सको ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हैवी ऑयलिंग में ऑयल जितना भी लो सब अच्छा ही है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी यदि आप हैवी ऑयलिंग करते हो उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना 2-3 घंटे पे, क्योंकि इससे आपकी स्किन में ऑयल गिरने लगती है ना, तो जिसकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है एक्ने पिंपल्स की। तो आप देख सकते हो दूसरे साइड भी हो रही है। अब मैं इसका भी एंड पॉइंट में जो देख सकते हो रूखे सूखे हैं, इसको भी मैं ऑयलिंग कर दूंगी ताकि रुके सूखे ना रहे। इसको पोषित करेंगे तब ना आगे आपके हेयर भी अच्छे लगेंगे, वरना नीचे से आपको कटवाने पड़ेंगे और कटवाते कटवाते आपके हेयर छोटे होते जाएंगे, बिल्कुल भी लंबे नहीं होंगे। तो देखिए आप दोनों साइड में मेरी ऑयलिंग हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑयलिंग करने सिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से अपने ऑयल को हाथ में ले लेना, और इस तरीके से पीछे की तरफ हैंड को करना जैसे कि ऑयलिंग अच्छे से आपके हेयर में अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप यदि इस तरह से पंजों को बनाते हो तो बहुत अच्छे से ऑयलिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे से। देखिए आप बहुत ही अच्छे से ऑयल इसमें अंदर में घुस रही है, इससे बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा आप ऑयलिंग करोगे तो हमेशा अपने हेयर के इस तरीके हाथ रखना, और इस तरीके से ऑयल लेके इस तरह से चलाना जिससे कि अच्छे से हो जाएगी। तो इधर साइड में लगभग हो चुकी है, अब मैं इधर कर रही हूँ। तो इधर भी इसी तरह का प्रोसेस करना है आपको, इस तरह के हाथों को करके इस तरह से करना है। मेरे चैनल पे आपको हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप जरूर चेकआउट और भी वीडियोस कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से ही आपको करते जाना है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपकी ऑयलिंग इस तरह से करने से पूरी अंदर से आपकी चल जाती है, जड़ों तक चल जाती है, जैसे कि आपको इस तरह से ऐसे ऐसे करके कभी नहीं करना होता। और उससे बाल झड़ते हैं तो ऐसा नहीं करें, ऐसे करोगे यदि इस तरह के हाथ बना के इस तरह से करोगे तो कभी आपके ऑयल के बाद भी हेयर नहीं झड़ेंगे। तो आप देख सकते हो चुके। अब हमारे पीछे की बारी है कि पीछे हम ऑयलिंग कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऑयल को हाथों में इस तरह से ले लेना है और इसके बाद हमें पीछे साइड में इस तरीके से पूरे बालों में आपको ऑयलिंग कर लेनी है। फिर आपको इधर साइड भी सेम चीज अपनाना है। दो पार्टीशन करके आपको दोनों तरफ सेम प्रोसेस अपनाओगे तो हमेशा ऑयलिंग अच्छे से हो जाएगी। तो आप देखते हो ऑयलिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप हैवी ऑयलिंग करो, इस तरीके से करोगे तो आपके हेयर ना टूटेंगे ही नहीं। तो आपको मैं अपकॉमिंग करके भी दिखाने वाली हूँ कि हेयर नहीं टूटेंगे। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो हेयर बिल्कुल नहीं टूटे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ऑयलिंग हो चुकी है और बहुत ही अच्छे बाउंसी भी लग रहे हैं। और बिल्कुल भी इस तरह से आप ऑयलिंग करोगे तो आपकी हैवी ऑयलिंग भी हो जाने वाली है, मसाज भी हो जाने वाला है, कॉमिंग भी करोगे तो हेयर नहीं झड़ने वाले। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऑयलिंग जरूर करना गाइज। और ऐसे ही मेरे चैनल पर हेल्थ स्किन हेयर से बहुत सारे वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चाहिए तो मेरे चैनल को जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि और भी आपको ऑयलिंग से रिलेटेड वीडियोज चाहिए या नहीं चाहिए। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।